हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम आपका एनाटॉमी से रिलेटेड टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। तो ये बीएससी जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का पेपर है, उसके अंदर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का, आपको पता है, एक मेजर ही रोल रहता है। इसमें से आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आपका जो एनाटॉमी का पेपर होता है, आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर जो डायग्राम है उनकी एक अलग ही वैल्यू होती है। ठीक है, आपको हर क्वेश्चन के अंदर डायग्राम बना के ही आने होते हैं। तो ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये आपका क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है आपका कंप्लीट। ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, इसका अदर नेम क्या है आपका, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, जीआई सिस्टम आप इसको बोल सकते हो। गैस्ट्रो जो वर्ड है वो आपका स्टमक के लिए आता है, इंटेस्टाइनल मतलब आपकी इंटेस्टाइन के लिए, आपकी आंतों के लिए आता है। सिस्टम का मतलब ऐसा सिस्टम जिसके अंदर काफ़ी सारे ऑर्गन्स हों। तो आपके ये हो गए, स्टमक हो गया, पेनक्रियाज, लीवर, इंटेस्टाइन, ये सारे ऑर्गन मिलके आपका क्या बनाते हैं, जीआईटी सिस्टम बनाते हैं, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, डाइजेस्टिव सिस्टम बोल सकते हो। ठीक है, तो इन एक एक को हम, एक ही डायग्राम है जो हैंडमेड है आपका, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का बना हुआ है। देखिए, अदर नेम डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या हैं, एक तो हमने अभी पढ़ा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, या फिर ट्यूब आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो एलिमेंट्री कैनाल, या फिर आप बोल सकते हो गट। तो टोटल आपके ये चार नाम होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, गट, जीआईटी ट्यूब और डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, इसके अंदर देखिए, इस डायग्राम की हेल्प से हम देखते हैं कि क्या क्या ऑर्गन्स हैं हमारे जो हमने इसके अंदर पढ़ने होते हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट आता है आपका माउथ आता है। ठीक है, और माउथ जिस कैविटी में, जिसको आप बोलते हो, वो आपकी ओरल कैविटी रहती है। ओरल कैविटी के अंदर आपके टंग आएंगे, टिथ आएगी, सलाइवरी ग्लैंड्स आएंगी। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है, ये क्या है आपका, माउथ है, जिसके अंदर क्या है आपकी टंग है, टिथ है, लिप्स हैं, और क्या है आपका, ये ग्लैंड्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। सलाइवरी ग्लैंड अब आपकी तीन तरह की होती हैं, एक पैरोटिड, एक सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आता है, फेरिंग्स आता है। फिर आपका ये क्या आ जाता है, सर्वाइकल पार्ट, थोरेसिक पार्ट, इस रीजन को आप क्या बोलते हो, सर्वाइकल और थोरेसिक पार्ट। ठीक है, यहाँ से आपका एब्डोमिनल पार्ट शुरू हो जाता है, डायफ्राम के नीचे नीचे। और इस एरिया में आपको बताया गया है कि ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको आप क्या बोलते हो, ईसोफेगस बोलते हो। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर आपकी बनाई हुई है, ये डायफ्राम है, उसके बाद से आपका क्या, एब्डोमिनल कैविटी शुरू हो जाती है। ठीक है, इस एरिया में देखिए आपके क्या क्या ऑर्गन आते हैं, ये आपका लीवर हो गया, ये आपका गोल ब्लैडर है, ये आपका स्टमक है, ये आपका पेनक्रियाज है। ठीक है, फिर ये आपकी क्या है, ड्यूडोनम है। ठीक है, ये आपकी जेजेनम है, और ये आपकी पूरी ईलियम। ठीक है, तीन पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। फिर आपकी ये लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो गई है। ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन आपकी यहाँ पे ख़त्म। ठीक है, और आपकी लार्ज इंटेस्टाइन के साथ जो अटैच रहती है वो अपेंडिक्स रहती है, इसको आप एनल कैनाल बोलते हो, रेक्टम बोलते हो। ठीक है, ये ऐसे ऐसे आपने डायग्राम, अगर आपसे पेपर के अंदर पूछा भी जा सकता है कि एलिमेंट्री जो कैनाल है उसका डायग्राम बनाइए, और आपने ये सारी चीज़ें फिर लिखनी पड़ेंगी उसके अंदर, मतलब लेबल्ड डायग्राम आपसे पूछ सकते हैं, इंटेस्टाइन का या फिर किसी भी ऑर्गन का। ठीक है, मोस्ट ऑफ यहाँ से स्टमक आता है, और एक बार आपका स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन पे क्वेश्चन भी आया था। तो देखिए, यही डायग्राम आपका यहाँ पे आपको दिखाया गया है, कलरफुल, आपकी बुक के अंदर। ठीक है, वही सारे ऑर्गन हैं आपके। तो हमने डायग्राम देख लिए हैं, अब हम इसकी थ्योरी पोर्शन पे चलते हैं। तो देखिए, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो आपका कंसिस्ट ऑफ टू ग्रुप ऑफ ऑर्गन। ठीक है, यहाँ पे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को दो अलग अलग भागों में बांट दिया है। फर्स्ट वन इज जीआईटी ट्रैक्ट, जिसका दूसरा नाम है आपका एलिमेंट्री ट्रैक्ट, या फिर प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, और सेकंड डिवीजन क्या रहेगी आपकी, असेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, असेसरी यानी जो साथ में हेल्प करते हैं, ठीक है, वो वाले डाइजेस्टिव ऑर्गन। तो देखिए, जो आपका जीआईटी ट्रैक्ट है वो क्या होता है, द ऑर्गन वेयर एक्चुअल डाइजेशन टेक प्लेस कॉल्ड द प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। ठीक है, ऐसे ऑर्गन जहाँ पे आपका जो एक्चुअल डाइजेशन है, डाइजेशन क्या होता है आपका, जो लार्ज पार्टिकल ऑफ फूड होते हैं उनको स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट करना, वो आपका डाइजेशन होता है। तो जहाँ पे एक्चुअली डाइजेशन टेक प्लेस होता है, उनको आप क्या बोलोगे, प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन बोलोगे।
GIT यानी जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, वो आपकी 5 से 7 मीटर लॉन्ग एक कॉन्टिन्यूस ट्यूब होती है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस का मतलब लगातार, ये आपकी माउथ से लेके एनल कैनाल तक एक ट्यूब है जिसके अंदर बीच में कोई कट नहीं है। ठीक है, ये आपकी कहाँ से होती है, माउथ टू एनस होती है। द लेंथ ऑफ GIT इज ए कैडेवर, जिसको आप क्या बोलते हो, ए डेड ह्यूमन बॉडी प्रिजर्व फॉर एनाटॉमिकल स्टडी इज अबाउट 7 to 9 meter। ठीक है, ये अब आपसे दो बातें बताई हैं आपको। ये देखिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि एक डेड ह्यूमन बॉडी के अंदर जो आपने एनाटॉमिकल स्टडी, मतलब कोई इंसान है उसकी डेथ हो चुकी है और उसकी बॉडी आपने स्टडी के लिए कहाँ रख ली है, कैडावर के अंदर रख ली है, तो उस दौरान उसकी जो लेंथ होती है GIT सिस्टम की, वो 7 से 9 मीटर की होती है। लेकिन एक लिविंग इंसान के अंदर जो लेंथ होती है GIT ट्रैक्ट की, वो सिर्फ 5 से 7 मीटर ही होती है, क्योंकि जो मसल है वो हमारी कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट के अंदर होती हैं, लेकिन एक मरे हुए इंसान की जो मसल है वो रिलैक्स्ड रहेंगी। इसी वजह से जो ये लेंथ है, इनका डिफरेंस आता है। ठीक है, एक डेड इंसान की जो GIT की लेंथ है वो ज़्यादा होती है एज़ कंपेरिजन टू एक लिविंग बॉडी के। ठीक है, नेक्स्ट हमें बताया है असेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के बारे में। असेसरी मतलब जो हेल्प करते हैं डाइजेशन की प्रोसेस के अंदर, तो उसके अंदर आपके देखिए कौन कौन से आते हैं। इट हेल्प द प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ठीक है, ये ऑर्गन हमारे हेल्प करेंगे प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को खाना पचाने के लिए। इसके अंदर आते हैं आपके टिथ हो गए, टंग हो गई, स्लाइवरी ग्लैंड होगी, पेनक्रियाज हो गया, लीवर हो गया, गोल ब्लैडर हो गया। ये सारे के सारे ऑर्गन क्या करेंगे, हमारी हेल्प करते हैं डाइजेशन के अंदर। उसके बाद हमने ये आपसे फिजियोलॉजी के पेपर में पूछा जा सकता है, मतलब एनाटॉमी में तो आपको स्ट्रक्चर देंगे बनानी, और फिजियोलॉजी में आपसे पूछा जा सकता है फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपको पता होना चाहिए आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, बेसिकली उसके 6 काम होते हैं। सबसे फर्स्ट ईटिंग और इंजेशन का। ठीक है, इंजेशन का मतलब क्या होता है, फूड को माउथ के अंदर लेना। ठीक है, टेकिंग द फूड एंड लिक्विड इन टू द माउथ। ठीक है, हमने यानी ले लिया है खाना हमारे ट्रैक्ट के अंदर। सेकेंड इज सिक्रीशन। सिक्रीशन का मतलब अब देखिए, द सेल्स ऑफ GIT और असेसरी ऑर्गन सिक्रीट अबाउट 7 लीटर ऑफ वाटर, एसिड, बफर एंड एंजाइम। अब देखिए क्या काम होता है हमारा, जो ये GIT सिस्टम है या इसके जो असेसरी ऑर्गन, ये हमने जो भी ऊपर पढ़े, इनका काम क्या होता है, सिक्रीट करना डेली लगभग 7 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, जिसको आप गैस्ट्रिक जूस बोलते हो, पेनक्रेटिक जूस बोलते हो, लीवर से बाइल जूस बोलते हो, ये जितना भी है उसके अंदर एंजाइम हो गए आपके, जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो सिक्रीशन का काम भी किसका है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है, नेक्स्ट है मिक्सिंग एंड प्रोपल्जन। ठीक है, अब जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या करता है, फूड को मिक्स करने का काम करता है, और प्रोपल्जन का मतलब आगे की तरफ धकेलता है। तो GIT मिक्स करता है फूड को, सिक्रीशन में हेल्प करता है, और फिर प्रोपेल करता है टुवार्ड द एनस। ठीक है, एनस की तरफ, ये आपका एनस पोर्शन हो गया। ठीक है, आपने खाना माउथ से लिया है तो वो अब धीरे धीरे प्रोपेल, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, ऐसे 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 यहाँ से इस मोमेंट में आपका एनस की तरफ आएगा। ठीक है, तो इसका, इसमें हेल्प कौन करता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ही हेल्प करता है। नेक्स्ट फंक्शन क्या है डाइजेशन का, ब्रेक डाउन ऑफ इंजेस्टेड फूड इंटू स्मॉल एंड सिंपल केमिकल मोलिक्यूल बाय द मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस कॉल्ड द डाइजेशन। ठीक है, ब्रेक डाउन करना डाइजेशन का मतलब क्या है, हमारा लार्ज लार्ज पार्टिकल को स्मॉल के अंदर कन्वर्ट करना ही हमारी डाइजेशन की प्रोसेस है, और वो दो तरीके से होती है, एक तो मैकेनिकल डाइजेशन, एक केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल के अंदर क्या होगा, आपके टीथ काम करेंगे, कट करेंगे फूड को और उसको छोटा छोटा चर्निंग यानी पीस देंगे एक तरीके से, और केमिकल डाइजेशन के अंदर आपके एंजाइम्स काम करेंगे। ठीक है, ब्रेक करेंगे लार्ज मोलिक्यूल को स्मॉल मोलिक्यूल के अंदर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। ठीक है, ये काम हो गया इसका। नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है वो देखिए वो क्या रहेगा, एब्जॉर्प्शन का। अब देखिए एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है टेकिंग अप ऑफ स्मॉल डाइजेस्टिव मोलिक्यूल इनटू द ब्लड। ठीक है, जो भी खाना अब हमारा छोटे छोटे पार्टिकल में हो गया है, जैसे ग्लूकोज में, अमीनो एसिड में, फैटी एसिड में, ठीक है, उनको ब्लड के अंदर पहुंचाना थ्रू द सेल्स ऑफ GIT। ठीक है, उसको आप क्या बोलते हो, एब्जॉर्प्शन बोलते हो। ठीक है, और ये कहाँ से होता है, आपका इंटेस्टाइन के थ्रू होता है।
नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है डीफेकेशन। डीफेकेशन का मतलब अब आप इसको एक्सक्रीशन भी बोल सकते हो, ठीक है। जो अब फूड में से वेस्ट पार्टिकल बच गया, या फिर जो अनडाइजेस्टेड खाना बच गया, या फिर कुछ बैक्टीरियाज या सेल्स जो GIT के अंदर की लाइनिंग से सेल जो भी आपकी अलग हुई या जो डेड थी, जो वेस्ट थी, वो हमारी बॉडी से चली जाएंगी। किसकी हेल्प से? NS की हेल्प से। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डीफिकेशन बोलते हैं या फिर एक्सक्रीशन बोलते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा है? डाइजेस्टिव सिस्टम को दो भागों में बांटा है, उसके फंक्शन पढ़े हैं, डायग्राम हमने देखा है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे GIT सिस्टम की लेयर्स के बारे में। सो आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहे और आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए फ़ायदेमंद रहे। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ।